पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी शहर गांव देहात में अच्छा स्कूल कॉलेज और अस्पताल हो न हो मगर दरबार और मजार जरूर होगा। मजारात और दरबार सदाबहार कारोबार है। स्टील मिल से लेकर पीआईए तक, रेलवे से लेकर पीटीवी तक हर इदारा खसारे में चलता रहा मगर मजाल है जो कभी मजारात का बिजनेस मांद पड़ा हो। इस बिजनेस को जवाल नहीं है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा मजारात आजाद कश्मीर में है। सिर्फ कश्मीर के दरबारों और मजारात की सालाना इनकम 159.809 मिलियन रुपए है। लाहौर के मारूफ दरबार में सिर्फ जूते रखने का ठेका 2 करोड़ रुपए पर होता है जबकि इस एक दरबार की 25,97,001,569 रुपए रिकॉर्ड इनकम हुई। मजार पीर मक्की सालाना इनकम 48 लाख रुपए, मियां मीर 10 लाख रुपए, माधुलाल 6 लाख रुपए, बीबी पाकदामन 31 लाख रुपए, दरबार शाहरुकन 24 लाख रुपए। इन दरबारों और मजारात में से जो महकमे औकाफ के तहत हैं, वहां करप्शन के किस्से जुबाने जद आमो खास हैं। हजारों दरबार और मजारात वो हैं जो महकमे औकाफ के तहत नहीं हैं। उनकी इनकम भी मुजावर और माफियाज खाते हैं। हालिया दिनों साहिबजादगानी गोलड़ा शरीफ की शादी खाना आबादी के खूब चर्चे हैं। पीरजादों की शादी की तकरीबात से ही अंदाजा लगाएं कि मुरीदों के चंदों पर किस कदर शाहखर्चियां हो रही हैं। गरीब मुरीदों के चंदे से मुनाकिद महंगे होटल की तकरीब में सियासतदान, सहाफी, ब्यूरोक्रेट तो थे, शायद ही किसी गरीब मुरीद को यहाँ मदऊ किया गया हो। हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। साले गुज़िश्ता रावलपिंडी के एक पीर साहब के बेटे की शादी में मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 अरब रुपए की फजूल खर्ची कर दी गई। मौसूफ के इस्लामाबाद के पोश इलाके में कई बंगले, कई पेट्रोल पंप और कई शादी हाल हैं और ये सब असासे गदी नशीनी की देन हैं। मुरीदों के खून पसीने की कमाई से खड़ा किया बिजनेस है। मुस्तजाद ये के इन दरबारों में वो शर्मनाक काम हो रहे हैं जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। इन्हीं दरबारों में बैठे जाली पीर मजहब की बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। कुछ अरसा पहले न्यू टीवी के प्रोग्राम पुकार में इन्हीं दरबारों में से एक दरबार के मजावर करंट बाबा ने इनकिशाफ किया कि वो अब तक 700 बेऔलाद खवातीन के साथ रेप कर चुका है। उनमें से एक 10 साला मासूम बच्ची भी शामिल थी जिसे 2 बार इस दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। करंट बाबा अपने उस्ताद का नाम सरकट बाबा बताता है। शागिर्द के शिकार का ये हाल है तो उस्ताद का आप खुद अंदाजा लगाएं। ये सब खवातीन इन जाहिल पीरों और आमिलों के पास बेऔलादी का इलाज कराने जाती थी। ये शख्स उन्हें जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता था और फिर डरा धमका कर खामोश कराता था कि अगर किसी को बता दिया तो मेरा मुअक्कल तुम्हें जलाकर भस्म करेगा और ये खौफ के मारे चुप हो जाती थी। इस तरह के वाकयात दरबारों और मजारों में तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। ये कोई मामूली नौयत के जरायम नहीं है। हुकूमत को फौरी तौर पर मजारों और दरबारों में बैठे जाली आमिलों और पीरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मजीद इज्जतें पामाल होने से बच जाएं। इन दरबारों में फरोकश पीरों का भी एहतिसाब होना चाहिए कि वो गरीबों से पैसे बटोर कर कैसे अपनी अयाशियों में उड़ाते हैं।